मैं बिस्तर समेटूंगी, अपना साफ करूंगी, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करूंगी, कमरे में पूरा पोछा लगाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरे काम में लगूंगी। देख सकते हैं मैंने सेट कर लिया अपना बिस्तर वगैरह, चादर चेंज कर ली क्योंकि मैंने ईद के दिन ये चादर बिछाई थी। अपने पानी का केन और ये कूलर भी हमने यहीं रखा हुआ है क्योंकि ठंडा पानी होता है तो बार बार किचन में जाना पड़ता है, तो सब यहीं से ही ले लेते हैं। तो हमने केन भी मंगवाया था मैंने परसों तरसों रात को क्योंकि पानी नहीं था पीने का, तो ये भी यहीं रख दिया मैंने। चेंज कर दिया अपने तकिए का कुशन कवर भी क्योंकि वो वाला जो है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा ये वाला निकाल दूँ, और बड़ा वाला तो बिल्कुल ही साफ़ है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो बस मैंने कहा अभी पता है हाथों से पकड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, फिर दूसरे काम भी करने होते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियोज़ बनाती हूँ। ये देख सकते हैं आपके सफाई हो रही है, लेकर आ गई मैं झाड़ू और अब मैं करूँगी साफ़ सफ़ाई। जिस तरह बाहर हो रही है सफ़ाई, उस तरह मैं घर की भी कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी मिट्टी हो रही है, और ये बैग रखा हुआ है, आप लोगों को बताएंगे कि ये बैग क्यों रखा हुआ है यहाँ पर कुछ दिनों के बाद। खाया उठा के रख दिया, देख सकते हैं कमरा कितना साफ़ हो गया, सारा सामान मैंने समेट कर रख दिया है, पोछा वगैरह लगा दिया है, बेड वगैरह मेरा बिल्कुल क्लियर साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। मैं भी आ चुकी हूँ नहा धो के फ्रेश होकर, अल्लाह का शुक्र है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी, तो बस अभी चलिए हमारे साथ बने रहें। मैं किचन में अपने लिए चाय बनाने के लिए फ्रेश होकर सारे काम करके अब मुझे ईजी हो चुकी हूँ। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं एंड होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय।